नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आधुनिक इतिहास में मैं आपको पढ़ा रहा था 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति को ख़त्म करने के बाद हमने कहा था कि अगले क्लास में आपको हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 की क्रांति और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, यहाँ तक कि जो सुपर टेट निकला है, अभी जूनियर का सुपर टेट होगा, देखिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से ज्यादातर क्वेश्चन, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहली कड़ी राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं, उन सब पॉइंटों को हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं, राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए। तो आइए हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए प्रत्येक पॉइंट पर, बहुत आराम से समझते हुए चलिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राजा राम मोहन राय। तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो यही है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यही एक वनडे का क्वेश्चन हो गया कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है, तो कौन है? राजा राम मोहन राय पहला पॉइंट है। आप देखते चलिए, सारे पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे। दूसरा पॉइंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म देख लीजिए, 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले में, 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। यहीं पर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय जो थे वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा और हिब्रू भाषा, इतने भाषाओं के ज्ञाता थे, ये जानकार थे, इसीलिए इनको विद्वान कहते हैं, और ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे, जनक कहा जाता है इनको। तीसरा पॉइंट है, 1809 ईस्वी में इन्होंने एकेश्वरवादियों को, चूंकि ये भी एकेश्वरवादी ही इनका मत था, इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में एक किताब लिखकर दिया। उस किताब का क्या नाम था, पूछा जाता है पेपर में, तुहफातुल मुआहिदीन, तुहफातुल मुआहिदीन। ये किताब किसने लिखा, ये किताब 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लिखा और एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में दिया, ठीक है, तुहफातुल मुआहिदीन, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, तुहफातुल मुआहिदीन। इसी में अगला पॉइंट है, 1814 में किताब लिखा था, कब, 1809 में। अब देखिए 1814 में इन्होंने क्या 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 किया, एक आत्मीय सभा की स्थापना की। पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। अब पूछ लिया जाए कब की, तो 1814 ईस्वी में। बड़े पेपरों में ये 3-4 सभाओं का स्थापना दिवस दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसको क्रम में लगाइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी जरूरी है आपके लिए कि 1814 भी याद रखें और ये भी याद रखें कि आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। साथ ही साथ 1814 में तो आत्मीय सभा की स्थापना की, वहीं पर 1816 में एक वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना कर दी, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना अपना स्थापना कर दी, कब, 1816 में। और फिर 1820 में देखिए, 14, 16 और 20, 14 में आत्मीय सभा, 16 में वेदांत सोसाइटी और 20 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखा। राजा राम मोहन राय की चर्चा हो रही है, इनके एक एक पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए,
हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में तो कर दी, लेकिन पूछ लिया जाता है कि किसकी सहायता से कर दी है, तो वो है डेविड हेयर। डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। अब पहला क्वेश्चन इसमें यही हो गया कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसकी सहायता से की थी, डेविड हेयर की सहायता से की थी। ठीक है, डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो अगला पॉइंट है संवाद कौमुदी। नाम कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ही ऊंचा नाम है, बहुत ही मशहूर नाम है, कई बार पूछा गया है। संवाद कौमुदी किस भाषा में था, बांग्ला भाषा में। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में किसने लिखा, राजा राम मोहन राय। और फारसी भाषा में क्या लिखा, बांग्ला भाषा में तो संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, ये दोनों नाम इतने ऊंचे नाम है, इतने मशहूर नाम है कि पेपरों में कई बार पूछा गया है, इनकी गिनती नहीं है। तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में लिखा और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद कौमुदी तेलुगु में, सॉरी बांग्ला में। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 22 मई 1772 को हुगली जिले में इनका जन्म हुआ था, दूसरा पॉइंट। तीसरा है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिब्रू आदि तमाम भाषाओं के ज्ञाता थे। 1809 ईस्वी में इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में कौन सी किताब लिख कर दी थी, तुहफातुल मुआहिदीन, याद रखिए तुहफातुल मुआहिदीन। फिर 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, फिर 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक किताब लिखा। ठीक, उसके बाद डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि संवाद कौमुदी बांग्ला में लिखी और वहीं पर मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखी। आगे बढ़ते हैं, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को, इस डेट को साथियों आप लोग याद रखिएगा, इस डेट को इसलिए याद रखिएगा कि कई संस्थाओं का निर्माण दे दिया रहता है क्वेश्चन में और कहता है कि क्रम से लगाइए, तब आपको ये डेट याद रहना चाहिए, उस समय ये डेट आपको काम में आता है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। वहीं पर फिर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी, राजा राम मोहन राय इनको तभी से कहा जाने लगा। राजा की उपाधि पूछा जाता है किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी। और अकबर द्वितीय इनको इतना मानते थे, चूंकि ये ज्ञानी आदमी थे, कि अकबर द्वितीय ने इनको अपना एक दूत बनाकर भेजा था, अपना एक दूत के रूप में भेजा था, कहां, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। पूछा जाता है कि किसके दरबार में राजा राम मोहन राय एक दूत बनकर गए थे, तो विलियम चतुर्थ, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ किसने भेजा था, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय के दूत बनकर गए थे। राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी। तो यहां तक हो गया, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। अब आगे देखिए, 17 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई, वहीं पर हुई, ब्रिटिश में ही हुई, ब्रिस्टल, एक ब्रिस्टल नामक स्थान है, ब्रिस्टल नामक स्थान में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हो गई। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके द्वारा बनाए गए ब्रह्म समाज की बागडोर किसके हाथ में रह गई, किसके हाथ में रह गई, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधि को जारी रखा, देवेंद्रनाथ ने। ठीक,
देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज की जो भी गतिविधियां थी, जो भी कार्य था, उसको जारी रखा। ज्यादा दिन तक फिर भी ये जारी नहीं रख पाए, अंत में भी देखिएगा विभाजन हो जाएगा। तो देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्व बोधनी सभा की स्थापना की। तो तत्व बोधनी, न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ। ठीक है, देवेंद्रनाथ ने, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जब हो गई थी ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी को, उसके बाद से अपने हाथों में ब्रह्म समाज का बागडोर ले लिया। किसने? देवेंद्रनाथ ने। और उसी क्रम में इन्होंने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की। तत्व बोधनी सभा की स्थापना के बाद 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया दो भागों में। 1865 में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए और याद भी रखिए कि 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। दो भागों में विभाजन हुआ, किस किस भाग में? आदि ब्रह्म समाज के रूप में हुआ और दूसरा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बन गया और एक बन गया आदि ब्रह्म समाज, और दोनों के संस्थापक अलग अलग थे। तो पूछ लिया जाता है पेपर में कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा देवेंद्रनाथ। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ थे। वहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के स्थापक कौन थे, तो वहीं पर आप कहेंगे केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक हो गए और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो गए? देवेंद्रनाथ हो गए। ठीक है, दोनों का विभाजन हो गया। फिर चलता रहा आगे चलकर कुछ सालों बाद, यानी कि 65 के कुछ सालों बाद, मतलब 13 सालों के बाद ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फिर से विभाजित हो गया। ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फिर से विभाजित हो गया, ये तो विभाजित नहीं हुआ देवेंद्रनाथ का आदि ब्रह्म समाज, लेकिन जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया थी केशव चंद्र सेन की, वो फिर से विभाजित हो गया। और जब ये विभाजित हुआ तो एक धड़े ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब यहीं से ब्रह्म समाज खत्म होता है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये मेनली राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो चीज है। एक बार यहां से हम फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि यहां तक हमने रिपीट किया था, यहां से फिर से रिपीट करते हैं। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राय को राजा की उपाधि दी थी और दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था दूत बनाकर के। फिर वहीं पर जो है 27 सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में। अब उनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो देवेंद्रनाथ के हाथों में थी। देवेंद्रनाथ ने क्या किया कि ब्रह्म समाज की जो भी गतिविधियां थी वो जारी रखा, चलाए रखा, और उसी क्रम में तत्व बोधनी सभा की स्थापना भी की। पूछ लिया जाता है तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की, और 1800 तत्व बोधनी सभा की जब स्थापना की, उसके बाद 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में टूटकर बिखर गया। पहला भाग था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भाग था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब जब ब्रह्म समाज भी आगे चलकर 1878 में पुनः विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया, एक धड़े ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, और जो केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र चले गए। केशव चंद्र सेन कहाँ चले गए? महाराष्ट्र चले गए। देखिए इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा और बताएंगे। ब्रह्म समाज भी 1878 में, ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये 1878 में जो है टूट गया। तो एक धड़े ने तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, और दूसरे धड़ा मतलब केशव चंद्र सेन, जो केशव चंद्र सेन थे
वो कहाँ चले गए, महाराष्ट्र चले गए। और ये महादेव रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे से प्रभावित होकर इन्होंने, महादेव गोविंद रानाडे, ये केशव चंद्र सेन की बात हो रही है, ये चले गए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे, और साथ ही साथ जब ये महाराष्ट्र गए तो वहां पर महादेव गोविंद रानाडे और इनके साथ एक थे आत्माराम पांडुरंग, नाम याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। तो अब केशव चंद्र सेन क्या किए, जब ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फिर से विभाजित हो गया 1878 में, तो एक धड़ा जो था उसने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, और जो केशव चंद्र सेन थे वो महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, जब ये महाराष्ट्र चले गए तो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दो लोगों ने, किसने, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन दो लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना की किसने की, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों का नाम याद रखिएगा कि ये दोनों किससे प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1867 ईस्वी को। इन दोनों व्यक्तियों ने, यानी महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों व्यक्तियों ने, नाम पूछा जाता है, नाम ध्यान में रखिएगा और प्रार्थना समाज को भी ध्यान में रखिएगा कि किसने स्थापना की थी। तो ये दोनों व्यक्ति इन्हीं केशव चंद्र सेन नामक व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में कर दी। कहां, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर के महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो है अग्रणी किसे माना जाता है, इन्हीं को, महादेव गोविंद रानाडे को, इनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक समाज का जागरण इन्होंने किया था। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक समाज का पुनर्जागरण करने वाले महादेव गोविंद रानाडे को ही माना जाता है। तो ये हो गई राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य, और साथ ही साथ थोड़ा सा हमने बढ़कर बता दिया प्रार्थना समाज की स्थापना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगले क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे और इसके आगे का पोर्शन बताएंगे, ठीक है साथियों। तो पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, वहीं से शुरू होता है इनकी जो है इनका जन्म के बारे में, इनके और जो भी जितने भी इन्होंने कार्य किया उन सारे कार्यों के बारे में। जब ब्रह्म समाज टूटकर दो भागों में हो गया तो देवेंद्रनाथ ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आगे चलकर ये भी टूट गया 1878 में, और कुछ जो एक धड़ा था वो साधारण समाज की स्थापना उसने कर ली, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। और चूंकि केशव चंद्र सेन से दो व्यक्ति बहुत ही प्रभावित थे जो महाराष्ट्र में रहते थे, कौन कौन, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, तो इन दोनों व्यक्तियों ने केशव चंद्र सेन के जो है व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में ही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में कर दी थी, ठीक है।
और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जनक माना जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम अगले क्लास में, अगले टर्न पे इसके आगे से हम शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जूनियर सुपर टेट जो होने वाला है उसमें सीधा सीधा टॉपिक लिखा हुआ है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहां से तुरंत क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी टॉपिक दिया हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। और मैं तो आपसे यही कहूंगा साथियों कि पूरा वीडियो देखा करें और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों बस आज का क्लास यहीं तक मैं खत्म करता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।